हेलो। सर, मैं विश्वनाथ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, वो सदर्न रेलवे प्लेयर मनोज को तो आप जानते हैं ना, हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्यों? वो टीम में वापस आना चाहते हैं। मनोज, बुरा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ इस तरह बंधे हैं। दुख होता है कि तुम जैसा काबिल इंसान ऐसे खड़ा है, बेबस, लाचार। डोंट वरी सर, मैं यहाँ कबड्डी टीम में वापस आने के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाने या भीख मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। आपको वार्निंग देने के लिए आया हूं। आप तो चौंके सर, आप चौंकिए मत सर, वरना हार्ट पर लोड पड़ जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पिछवाड़े से कुर्सी निकल जाएगी। तब तक खाते रहे, खाते रहे। इस मैच में इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आने वाले हैं। ये मैच अगले शुक्रवार को होगा, उस दिन सारा मीडिया आने वाला है, और वो कमीना मुकेश राठौर भी। हमें उससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास टीम कहाँ है? कहना क्या चाहते हैं? हमें बख्श दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर वो इतने पैसे मांगेंगे तो हम कहां से लाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके घर वालों से बात करूंगा। तुम्हें कोशिश करके देखना चाहिए। इस नौकरी ने तुम्हारी गरीबी को खत्म कर दिया है, या फिर हार कर तुम लोगों ने घुटने टेक दिए हैं? क्या हो गया है तुम लोगों पर को? कोच, वो लोग पैसे मांगते हैं, हम कहां से लाएंगे? उन्हें पैसे नहीं, जूते से मारेंगे। हम सब मिलकर उन्हें बेनकाब करेंगे। जीवा, कितने सालों से कबड्डी खेल रही हो? 8 साल से कोच। जिन तकलीफों और दर्द को तुमने 8 सालों तक सहा है, क्या उसके बारे में भूल गई तुम? एक कमीने की वजह से तुम लोग पीछे हट गए। जानती हो इससे गाँव की लड़कियों पर क्या असर होगा? उनके हौसले टूट जाएंगे, उनका सपना बिखर जाएगा। तकलीफें सहकर भी तुमने कबड्डी खेली ना, तो अब क्यों? कबड्डी छोड़ने के तुम लोग बहाने तलाश रही हो। आखिर क्या हासिल होगा? अपने अंदर के खिलाड़ी को पहचानो, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी किसी न किसी रूप से खेल से जुड़ा रहता है। कोच बनकर, अंपायर बनकर, ग्राउंड्समैन बनकर वो कभी खेल से पीछा नहीं छोड़ाता। अगर आज तुमने कबड्डी खेलना छोड़ दिया तो कल गांव से कोई भी माँ बाप अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए कभी नहीं भेजेंगे। तुम्हारा सपना है कि घर बनाना है, कार खरीदनी है, देश विदेश घूमना है। कबड्डी इसीलिए चुना ताकि गरीबी मिटे। सुबह से लेकर शाम तक तुम लोगों ने घंटों प्रैक्टिस की है, उसके लिए तपती चिलचिलाती धूप में अपना पसीना बहाया। क्या उन कुर्बानियों को भूल गई? क्या तुम्हारे जीने का अब कोई मकसद नहीं है? अपनी जान से ज्यादा तुमने इस खेल को प्यार दिया, अब मैदान में उतरने की बारी आई तो मुंह मोड़ रही हो? याद रखना, हारता वो है जो घुटने टेकता है, और जीतता वही है जो हारी बाजी पलट के रख देता है। नहीं कोच, जब तक हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। आप यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, तो अब उसका गला क्यों घोटना चाहते हैं? उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उसे पैरों पर खड़ा होने दीजिए, लड़ने दीजिए, फिर देखिए आपकी बेटी क्या कमाल करती है। क्या आप चाहती हैं कि आप जो करती हैं सारी जिंदगी आपकी बेटी भी वही करती रहे? जब आपकी बेटी कबड्डी खेलेगी तो सिर्फ अपने लिए नहीं खेलेगी, हर उस गरीब लड़की के लिए खेलेगी जिनका सपना कबड्डी है। पर बेटा, विद्या के साथ क्या हुआ जानते हो ना? वो सबके साथ नहीं होता। विद्या ने आत्महत्या की कोशिश की, मैं इनकार नहीं करता, पर उसने ऐसा क्यों किया जानते हैं आप? इसलिए नहीं कि उसे सिलेक्ट करने के बाद टीम से निकाल दिया गया था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी जैसी और लड़कियों के साथ पैसों के लिए अन्याय ना हो। आप लोग क्यों नहीं समझते? मेरी बात सुनिए, इस बार हमें दिल्ली का मैच किसी भी तरह जीतना है, तभी हम सिलेक्शन कमेटी के उस कमीने को हटा पाएंगे। आपकी बेटी जीतने के लिए बनी है और वो जरूर जीतेगी, मेरा विश्वास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल प्लेग्राउंड में आपकी बेटी जरूर आएगी। आपकी बेटी का भविष्य अब आप पर है। प्रणाम, चलता हूँ।
आज रात हम सभी बस से 9 बजे रवाना होंगे, क्योंकि 10 बजे हमें दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है। समझ गए? शुक्रवार को हमारा पहला मैच होगा, ओके? हमें ये मैच जीतना है। कल्लेश्वरी कहाँ रह गई? वो नहीं आ सकती, आज उसकी शादी है कुछ। सर आशीर्वाद दीजिए। सर मेरी शादी हो गई। टांग तो बहुत लोगों ने अड़ाई लेकिन मैंने तोड़ दी। मैंने अपने झिंगुर से ही शादी की। तुम्हारा झिंगुर मतलब पति का? ठीक है, बुलाती हूँ। ए झिंगुर, अरे जाना। आता हूँ पत्नी जी। आया। अरे पब्लिक के सामने तो इज्जत का फालूदा मत करो। ये हमारे कोच हैं। चल जल्दी बैठो। वो दिल्ली के मैच के बारे में बताया था मुझे, उसमें 10 दिन लगेंगे। जाओ जाओ सर, ले जाइए, कोई बात नहीं। मैच शुक्रवार को है। अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कोई चारा भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैच शुक्रवार को है और उसके लिए आज ही रात निकलना पड़ेगा। आज रात से? कोई बात नहीं सर, लेके जाइए सर, लेके जाइए। वो क्या है कि आज ही तुम दोनों की शादी हुई है और दुनिया में कईयों के सपने टूटते हैं सर। आज मेरा टूट गया, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम इसका तो पूरा होगा। कुर्बानी दे रहा है इस छोटे से दिल के अंदर, मतलब बहुत अंदर मैंने कलेश्वरी से प्यार छुपा कर रखा है। वो प्यार कह रहा है कि अपनी कलेश्वरी के लिए कुछ कर, तो मैंने उससे कहा कि हम अपनी कबड्डी बाद में खेल लेंगे। तू तो समझ क्यों नहीं रहा है, आज तेरी फर्स्ट नाइट है। सर मेरी फर्स्ट नाइट है तो आपको क्यों टेंशन हो रहा है? आप लेके जाओ ना सर, आप लेके जाओ। अरे लेके जाओ ना, जाओ रानी। माँ बाप क्या बोलेंगे? अरे उनको चुना लगाना मुझे आता है। सास ससुर? ओ अच्छा अच्छा, सास ससुर क्या? अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। सर मैंने सासू माँ से वादा किया था कि शादी के बाद अपनी पत्नी को मैं बरमोडा ट्रायंगल लेके जाऊंगा सर। पर ये तो हमारे साथ जा रही है। तो आपको पता है, सासू माँ को नहीं पता, मेरा भांडा मत फोड़ो सर। आप जाइए और कबड्डी में कबड़ी कबड़ी करके दुश्मनों की छुट्टी कर दीजिए, मेरी कुर्बानी जाया ना जाए। अरे डर मत, जाया नहीं जाएगी। तू कलेश्वरी के दिल का राजकुमार जो है सर, इन्हें कैसे पता? कहीं बैनर पे लिख तो नहीं दिया? आपको इस नाम के बारे में किसने बताया? कलेश्वरी तेरे बारे में ही बात करती है, कहती है तू साफ दिल वाला है। वो तो मैं हूं सर, लेकिन आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा। अच्छा हम चलते हैं। थैंक यू सर। जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी। कले कले सर रुक, तो तुझे तो रात को जाना है ना, तो अभी सवारी कहाँ चली? ड्रॉप करने जा रही हूँ। ड्रॉप करने के बाद तू वापस आएगी ना? आऊंगी। तो जा 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 सर। तुम लोग नहीं जाओगी? जा जा जा। पहली रात में इसकी नैया डूब गई। ओ गांव बसाने की लुटेरे पहले लूटने के लिए आ गए। अरे वाह तुम्हारा। सर लेट तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं बिल्कुल लेट नहीं, एकदम टाइम पे आया हूं। संभाल के जाना, फर्स्ट नाइट होनी बाकी है। राजकुमार तुम्हारा ये बलिदान लोगों को हमेशा याद रहेगा। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, बस उसके बदले इतना करना कि ये 2 मिनट मुझसे रोज बात कर पाए। बस इतनी सी बात है? हाँ। अरे 2 मिनट क्या, पूरे 2 घंटे बात करेगी, मैं बोल दूंगा। हाँ, राजकुमारी जी अंदर चलिए। बस में प्रवेश कर लो, जाओ। चले बाय। हाँ। कल्ली कल्ली कल्ली। अरे भरसन भरसन आ गया। और हाँ ये सफर के लिए पैसे रखे? अरे ये तो चिल्लर है, असली माल देना तो भूल गया। ये ले पीछे वाली जेब में देख ले, पैसे तो खत्म हो गए। सेवर दू? ये ले, अंगूठी पकड़ पेश कर। खरीदी तब भी तो दे सकता था ना, चल अब जा, घर आएगी तब देना। सर ऐसे ज्यादा मजा आता है, नहीं तो ये दिल्ली तक पहुंचाएगा। आवाज को ही इजहार कहते हैं, सिर्फ पाने का नाम ही मोहब्बत नहीं है, खोकर पाने को भी प्यार कहते हैं। जो भी करो सर, टिकट प्लीज, वरना पछताना पड़ सकता है। कैनेडी क्लब फ्रॉम तमिलनाडु। ओके कैनेडी क्लब तमिलनाडु। हाँ मिल गया। टोटल जनता कितनी है? 16। अच्छा 16। बाली उमर है। कहाँ गई? ये रही, ये लो तुम्हारे ताले की चाबी। थैंक यू सर। अब ये क्या फोन कर रहा है आज? बोले अच्छा सुन, ये जो तमिलनाडु वाला झिंगूर है ना, इसको चाबी इतनी जल्दी मत देना। थोड़ा इसको रखड़ा घुमा फिरा, उसको वहीं बिठा कर रख। ए भाई साहब, एक गलती हो गई। वो जो की आपको दी है वो मेरे घर की है। आपकी चाबी ऑन द वे है, यू जस्ट वेट एंड वॉच प्लीज। क्या हुआ? नमस्ते सर। आमेश सर, वो मनोज आपको याद है, वो तमिलनाडु टीम का कोच बन गया है। जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। एक मिनट रुको। ए चश्मे, कब मिलेगी हमारी चाबियाँ? ठंड रखो, 5 मिनट में आ रही है। अब से 5 मिनट तमिलनाडु का कोच कौन है यहाँ? हाँ मैं हूँ।
बोलिए। सर कोच मीटिंग के लिए आपको अंदर बुला रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा है, वहाँ हमें मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है और एक घंटे से हम चाबियों का इंतजार कर रहे हैं, बिना फ्रेश हुए मैं कैसे आ सकता हूं? क्या करूं, आप कमिटी से बात कर लीजिए, आइए अंदर आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी, ये थोड़ा अर्जेंट था, जो शेड्यूल 5 दिन का था अब हमें 3 दिन में पूरा करना होगा और सारे लीग मैचेस नॉकआउट में चेंज हो गए। सर ये क्या बात हुई, लीग मैच बोलकर आपने इसे अचानक नॉकआउट कर दिया? देखिए उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें मिनिस्टर के प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ सेट करना पड़ा। वैसे भी ये सारे डिटेल्स हमने आपको ईमेल के थ्रू भेज दिए थे, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं। फर्स्ट मैच केरला वर्सेस तमिलनाडु, सेकेंड मैच दिल्ली और हरियाणा का होगा और उसी दिन 6 बजे कर्नाटक। और एक मिनट सर, हमारी पूरी टीम 2000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके यहां आई है, ना ही नींद मिली, ना ढंग से खाना खाया और ना ही आराम किया। आप कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर मैच है, बताइए कैसे खेलेंगे, सारे प्लेयर्स टायर्ड हैं सर। अरे पर ये केरला वाली टीम भी तो आप ही के साथ आई है, ये लोग तो कंप्लेन नहीं कर रहे, क्यों? लीग मैच में एक मैच हार गए तो अगले मैच में कवर कर सकते हैं सर, पर सीधे नॉकआउट, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? चलिए ये 3 दिन के अंदर लीग मैच कैसे खेलना है इस पर प्लान करते हैं। सुनिए मिस्टर मनोज, मैच लीग होंगे या नॉकआउट ये डिसाइड करने के लिए आप सबको यहां नहीं बुलाया, फैसला हो चुका है, मैचेस होंगे और नॉकआउट होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो टूर्नामेंट और मैच छोड़ के जा सकता है।